सुहागिनों के खास पर्व करवा चौथ के चलते बाजार की रौनक लौट आई है। बारिश के लंबे दौर के बाद मौसम खुलते ही खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ बाजार में दिखाई दी। सुहागिने खुद को सजाने और संवारने के लिए खरीदारी में जुट गई हैं। करवा चौथ को लेकर बाजार में भी तरह तरह की चूड़ियां, कपड़े, श्रृंगार और पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। महिलाएं भी अपनी पसंद की ज्वेलरी, चूड़ी और कपड़ों की खरीदारी करने में जुटी हुई हैं। ब्यूटी पार्लर पर भी महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम की मार से सन्नाटे में बैठे व्यापारी भी करवा चौथ के पर्व पर बाजारों में भीड़ बढ़ने से उत्साहित दिख रहे हैं। इस दौरान महिलाएं रंग बिरंगी चूड़ियां, मेकअप किट, साड़ियां, लहंगा चुनरी और ज्वेलरी की खरीदारी में लगी रहीं। दुकानदारों ने बताया कि करवा चौथ से पहले बाजार में रौनक लौट आई है। शहर से सराफा बाजार में भी उछाल देखा जा रहा है। करवा चौथ को लेकर ब्यूटीशियन की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। हेयर कटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर करवाने और मेहंदी लगवाने से लेकर अन्य श्रृंगार करने के लिए ब्यूटीशियन की बुकिंग की जा रही है। मेहंदी रचाने के लिए 200 से लेकर 500 रुपए तक कीमत के पैकेज में मेहंदी लगवाई जा रही है। इस दौरान विवाहित महिलाओं से अमृत विचार ने बात की तो व्रत को लेकर उनकी खुशियों की झलक साफ दिखाई दी। आप भी देखिए। बहुत सारी शॉपिंग चल रही है, बहुत भीड़ हो रही है बाजार में आज करवा चौथ की शॉपिंग के लिए और बहुत सारी खरीदारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है करवा चौथ के बाद। ये कोरोना के बाद पहली करवा चौथ आई है तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। भैया मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, साड़ियाँ ली हैं और सब मतलब जो सुहाग का सामान है था पूरा लिया है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर मैं ही क्या हर स्त्रियाँ ले रही हैं। बस यही है भैया, थोड़ा सा नॉर्मल शॉपिंग है और थोड़ा सा करवा चौथ की तैयारी चल रही है। करवा चौथ के लिए तो बेसिकली घर वालों के लिए चल रही है, मतलब मैं नहीं रखती हूँ तो हो गए बहुत साल हो गए उनको। कैसा है बाजार का माहौल, अब आपने क्या देखा है बाजार में, कैसी कितनी रौनक है, क्या लगता है आपको? नहीं, रौनक काफ़ी सारी है और माहौल अच्छा है, सब लोग उत्सुक हैं कि करवा चौथ की शॉपिंग के लिए और लेडीज में बहुत सारा उपवास है और मेहंदी लग रही है, सब कुछ अच्छा है। चूड़ी, बिंदी, साड़ी और ऐसी शॉपिंग की। कितने साल से मैं 15 सालों से व्रत रखती आ रही हूँ और यही है। दो तीन साल से तो नहीं कर रही थी, पिछले साल तो थोड़ा बहुत फिर भी हुआ कर रही थी तैयारियाँ तो हो रही हैं। साड़ियाँ बना रखी हैं, जेवर बना रहे हैं और ये हल्द्वानी की शॉपिंग हो रही है। करवा चौथ के लिए उत्साह होता है मन में, साल भर का त्यौहार होता है तो अच्छा लगता है, तैयारी हो रही है। जोरू शोरू से है, मेहंदी लगाई जा रही, खरीदारी हो रही है, बहुत उत्साह है। यही है, पहले लॉकडाउन था, अभी खुला है तो मार्केट बहुत रस है और ख़रीदारी बहुत जोरों शोरों से हो रही है और बहुत उल्लास है। बहुत अच्छी तरह मनाया जा रहा है, मेहंदी के लगा रखी है मेहंदियाँ और शॉपिंग हो रही है, साड़ियाँ खरीदी बहुत हो रही है। शाम तक देखो, अभी मौसम खुला है तो बहुत अच्छा है और दिख रहा है, बहुत तैयारियाँ हो रही है सर, बहुत रस है मार्केट में, बहुत रस है, बिल्कुल इतना रस है कि मान नहीं सकते। और शॉप में, साड़ी की शॉप में जाओ या ज्वेलरी की जाओ या कहीं भी जाओ, चूड़ी वाले के जाओ, नंबर ही नहीं आ रहा है, बहुत रस है। अब तो इस बार काफ़ी अच्छा भी है और कस्टमर भी काफ़ी आ रहे हैं। पिछले साल तो ऐसे ही हो गया था, थोड़ी कोरोना वोरोना की मार से थोड़ी बहुत बाज़ार गिर गया था, इस बार बाज़ार अच्छा खुला भी है और काफ़ी ठीक है, सामान भी अच्छा खासा रखा हुआ है, बिक भी रहा है, बढ़िया हो रहा है।